बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पोल्ट्री फार्म बनाने का सही तरीका। पोल्ट्री फार्म बनाते वक्त हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम सही तरीके से और सही ज्ञान ना लेकर एक पोल्ट्री फार्म का निर्माण करते हैं, तो मुर्गी पालन में हमें जितना मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे क्योंकि मुर्गियों को रहने के लिए अगर हम सही वातावरण नहीं देते हैं, एक अच्छे वातावरण में अगर हम मुर्गियों को नहीं रखते हैं, तो मुर्गियों में स्ट्रेस ज्यादा होता है और उसके वजह से मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। मुर्गियों को अगर आप लोग सही तरीके से निर्माण किया हुआ फार्म में रखते हैं, तो मुर्गियों में स्ट्रेस कम होता है, जिसके कारण मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा होता है और मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी जानकारी देने वाला हूँ, ये सारी जानकारी आप लोगों को एक पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले लेना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक अच्छे से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पोल्ट्री फार्म का सही दिशा। देखिए साथियों, अगर आप लोग एक पोल्ट्री फार्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म को हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रखें। पूरब से पश्चिम दिशा एक सही दिशा माना जाता है, और पोल्ट्री फार्म को हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसलिए रखना चाहिए ताकि सूरज की जो सीधी रोशनी है वो शेड के अंदर ना आए। अगर आप लोग एक बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं, तो पोल्ट्री फार्म की लंबाई आप लोग जितना मर्जी रख सकते हैं, पर पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई हमेशा 30 फीट ही रखना। पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। चौड़ाई हमेशा 30 फीट इसलिए रखना चाहिए ताकि बड़ी ही आसानी से हवा फार्म के अंदर बाहर आर पार हो सके। अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा रखते हैं, तो हवा आसानी से आर पार नहीं हो पाती है, जिसके कारण मुर्गियों में परेशानी आती है। नंबर 2, छत से छज्जा बाहर जरूर निकाले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते वक्त छज्जा बाहर नहीं निकालते हैं। छज्जा बाहर ना निकालने के कारण धूप फार्म के अंदर तक चली जाती है और उसके कारण मुर्गियों को परेशानी होती है, और उसके साथ साथ जब बारिश आती है तब बारिश की तेज छींटे फार्म के अंदर तक जाती है और उसके वजह से फार्म गीला हो जाता है, और फार्म गीला होने के कारण फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और उस एमोनिया के कारण मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी आती है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने पोल्ट्री फार्म में टीन का इस्तेमाल किया हुआ है और उसे बाहर निकाला हुआ है, जिसके कारण ये दिक्कतें मुझे नहीं होता है। नंबर 3, पोल्ट्री फार्म को हमेशा ऊंचा रखें। ऊंचा मतलब जमीन का जो एग्जैक्ट लेवल है उसे इतना ऊंचा ताकि बारिश की पानी फार्म के अंदर ना जाए। बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म को नीचा बनाते हैं, जिसके कारण बारिश का पानी फार्म के अंदर तक चला जाता है और उसकी वजह से फार्म गीला हो जाता है, और फार्म गीला रहने के कारण पोल्ट्री फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी आती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। नंबर 4, पोल्ट्री फार्म हमेशा ऐसे जगह पर बनाना चाहिए जहां चूजे लाने में और फीड लाने में कोई दिक्कत ना हो, और उसके साथ साथ तैयार मुर्गियों को बाहर निकालने में भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म ऐसे जगह पर बना देते हैं जहां चूजे लाने में और फीड लाने में दिक्कत होता है, और उसके साथ साथ तैयार मुर्गियों को बाहर निकालने में भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करना, पोल्ट्री फार्म हमेशा ऐसे जगह पर बनाना जहां चूजे लाने में और फीड लाने में कोई दिक्कत ना हो और तैयार मुर्गियों को बाहर निकालने में भी कोई दिक्कत ना हो। नंबर 5, पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति जरूर लेना। ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति लिए बिना पोल्ट्री फार्म का निर्माण कभी भी नहीं करना चाहिए।
ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति लिए बिना अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म का निर्माण करते हैं और आप लोगों के नजदीक के लोग अगर आप लोगों के पोल्ट्री फार्म के बारे में शिकायत कर देते हैं तो आप लोगों को पोल्ट्री फार्म बंद करना पड़ सकता है। इसलिए पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति जरूर लेना चाहिए। नंबर 6, पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए बेकार के खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में बड़े बड़े ऑफिस बना देते हैं। ये सब बेकार के खर्च है, आप लोगों को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को कम खर्च में एक साधारण पोल्ट्री फार्म का निर्माण करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये 1200 देसी मुर्गियों का फार्म बहुत ही कम खर्च में और साधारण तरीके से निर्माण किया है। इस पोल्ट्री फार्म को मैंने पूरे बांस से निर्माण किया है और इस पोल्ट्री फार्म को बनाने में मेरा लगभग 36,000 रुपए खर्च हुआ था। इस पोल्ट्री फार्म को 2 भाग में भाग किया गया है। यहाँ ऊपर भी मुर्गियाँ रहते हैं और नीचे भी रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ बांस के घने जाली लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने इतना घना जाली नहीं लगाया हुआ है। अगर आप लोगों के वहाँ सांप और चूहे परेशान करता है तो आप लोग इससे घना जाली भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से जाली इसलिए लगाया है ताकि फार्म के अंदर बाहर हवा बड़ी आसानी से आर पार हो सके और फार्म के अंदर तक थोड़ी बहुत धूप भी जाए, जिससे फार्म सूखा रहेगा। अगर आप लोग ये 1200 देसी मुर्गियों का पूरा फार्म देखना चाहते हैं और इस पोल्ट्री फार्म को मैंने किस तरीके से निर्माण किया है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। एक छोटे शहर के 2 टीचर्स की कहानी है। नंबर 7, बिजली का वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखिए। अगर आप लोग ब्रॉयलर पालन करते हैं तो बिजली का वैकल्पिक व्यवस्था रखना बहुत ही जरूरी है। बिजली चले जाने पर देसी मुर्गियों में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, पर ब्रॉयलर में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अगर आप लोग फार्म को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर, कूलर या पंखा का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली चले जाने पर उसे चालू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखना बहुत ही जरूरी है। आप लोग जनरेटर भी रख सकते हैं या इन्वर्टर भी रख सकते हैं, मतलब बिजली चले जाने पर ब्रॉयलर को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 8, पोल्ट्री फार्म में आप लोग जो दरवाजा लगाएंगे उसके ऊंचाई 6.5 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट जरूर रखें। पोल्ट्री फार्म के दरवाजे का ऊंचाई 6.5 फीट इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें पोल्ट्री फार्म के अंदर बाहर भी करना होता है और बहुत बार हम सर पर सामान रखकर फार्म के अंदर तक भी जाते हैं और पोल्ट्री फार्म को साफ करके मुर्गियों का जो मल होता है उसे भी हम बहुत बार सर पर रखकर बाहर निकालते हैं और इन सामानों को अंदर बाहर करने में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो उसके लिए पोल्ट्री फार्म के दरवाजे का ऊंचाई हमेशा 6.5 फीट होना ही चाहिए। नंबर 9, आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में जो बल्ब लगाएंगे उसके ऊंचाई हमेशा जमीन से 60 फीट होना चाहिए और जितना हो सके आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने से रोशनी भी ज्यादा मिलता है और बिजली का बिल भी कम आता है। नंबर 10, अगर आप लोग देसी मुर्गियों के लिए फार्म बनाना चाहते हैं तो एक कमरा वाला फार्म कभी भी ना बनाएं। अगर आप लोग 200 देसी मुर्गियों के लिए एक फार्म का निर्माण करते हैं तो उसके मिडिल पॉइंट में एक पार्टीशन जरूर देना है। ऐसा आप लोगों को इसलिए करना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है बड़े मुर्गियां छोटे मुर्गियों को अच्छे से दाना खाने के लिए नहीं देते हैं और कमजोर मुर्गियों को बड़े मुर्गियां नोचते हैं और जब आप लोग 2 कमरे वाला फार्म बनाएंगे तब आप लोग कमजोर मुर्गियों को एक अलग कमरे में रख सकते हैं और बड़े मुर्गियों को एक अलग कमरे में रख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये दिक्कत ये परेशानी नहीं होगा। नंबर 11, पोल्ट्री फार्म के बाहर एक गमले में पानी भर के उस पानी में डिसइंफेक्शन जरूर मिलाइए। ऐसा आप लोगों को इसलिए करना है ताकि पोल्ट्री फार्म के अंदर जाने से पहले आप लोगों ने जो भी चप्पल पहन रखा हुआ है उस चप्पल को गमले में एक बार अच्छे से डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर जाना है। ऐसा करने से बाहर के बीजाणु फार्म के अंदर तक नहीं जाते हैं और मुर्गियों में बीमारी नहीं आते हैं। नंबर 12, फीड यानी कि मुर्गियों के दाना रखने के लिए एक अलग कमरा जरूर बनाइए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह में मुर्गियों को भी रखते हैं और फीड भी रखते हैं, जिसके कारण चूहा परेशान करता है। ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। फीड या दूसरे सामान रखने के लिए एक अलग से गोदाम घर बनाना है। और एक बात, कभी भी जमीन पर फीड नहीं रखना है, जमीन से कुछ इंच ऊपर ही फीड रखना है। उसके लिए आप लोग लकड़ी का एक रेक भी बना सकते हैं। जमीन पर अगर आप लोग फीड रखेंगे तो उसके वजह से फीड खराब हो जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहता हूँ। जब आप लोगों का पोल्ट्री फार्म संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, तब आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में पर्दे का इस्तेमाल जरूर करना। और उसके साथ साथ जब आप लोग मुर्गी पालना शुरू कर देंगे, तब आप लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म के बाहर एक पोस्टर लगाना है और उस पोस्टर में अपने पोल्ट्री फार्म का नाम लिखना है, अपना पूरा एड्रेस देना है और आप लोगों ने जिस भी पर्पस से मुर्गी पाल रखा है, अंडे के पर्पस से या मांस के पर्पस से, उसके बारे में पोस्टर में लिखना है और लोगों को बताना है कि हम यहाँ मांस और अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पाल रहे हैं और इनमें से अगर आप लोगों को किसी भी चीज चाहिए तो आप लोग हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।